जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हाँ या ना, बहुत मेहनत कर ली है। मैंने तो क्या ही करी है, आपने बहुत मेहनत कर ली है। अकाउंट्स में पिछले 5 दिन में आपने पूरा सिलेबस कवर किया है। हाँ या ना, कल पेपर देने जाना है, कल आपके एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, पेपर बहुत आसान आएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि यार 3 घंटे में हमको करना क्या है, उस 15 मिनट में हमको क्या करना है, क्या करें कि 3 घंटे में पेपर खत्म हो जाए। मैं आपको बता देता हूं कि पेपर आपको पूरा का पूरा आता होगा। चैलेंज क्या होगा, उन 3 घंटे में अकाउंट्स का पेपर खत्म करना। कई बार ऐसा होता है कि यार पेपर आता है लेकिन पेपर छूट जाता है। आपने ये मॉक टेस्ट में भी एक्सपीरियंस किया होगा, सैम्पल पेपर्स में एक्सपीरियंस किया होगा। तो और हम क्या चेंज कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ 15 मिनट की, यार इन 15 मिनट्स का आपको कैसे यूटिलाइज करना है, मैं आपको अपने ओपिनियंस बताऊंगा, अपनी सजेशन दूंगा, बाकी जैसे आपको ठीक लगता है। आप बाकी टीचर्स की भी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, और जो भी आपको लगे कि हाँ यार ये मेरे लिए बेस्ट है वो आप फिर चूज कर सकते हो। मुझे क्या लगता है कि यार इन 15 मिनट में आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होने वाली है वो है ऑप्शंस। मेरा मतलब क्या है ऑप्शंस से, तो ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, और में जो ऑप्शंस मिलने वाले हैं, हाँ क्या होगा, जैसे 6 मार्कर है, एडमिशन रिटायरमेंट है, एमसीक्यूज हैं, 3 मार्कर्स में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। आप क्या होगा, आप डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा दोगे कि यार कौन सा क्वेश्चन करूं, क्योंकि मन क्या कह रहा होगा कि फटाफट से ढूंढो इजी वाला कौन सा है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उन 15 मिनट्स में अपना पूरा पेपर सॉर्ट कर लो कि यार मैं कौन कौन से क्वेश्चन करना चाहता हूं। क्योंकि क्या होगा, जब आप एक फ्लो में क्वेश्चंस कर रहे होगे, है ना, आप आराम से फुल स्पीड में क्वेश्चन कर रहे हो, 1 घंटा हो चुका है, फिर आप रुक गए और आप अब डिसाइड करने में लगे हो यार कौन सा क्वेश्चन करूं, वो वहां पे वो किल कर देगा, वो फ्लो को किल कर देगा। वो मत होने देना। अगर एक बारी पेन चल रहा है फ्लो में तो चलने देना, रुकना नहीं। वो अगर आप 2-5 मिनट के लिए रुक गए ना, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो 15 मिनट में क्या करो, आप पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करो, जहां जहां पे और वाले ऑप्शंस हैं वहां पे आप देख लो आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। भाई क्वेश्चन देखा आपने एडमिशन का, मान लो रिटायरमेंट और एडमिशन में आपको ऑप्शन मिला है, देख लो कहाँ कौन सी एडजस्टमेंट्स है, किस में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, कौन सा आपको इजी लग रहा है, कौन सा जल्दी हो जाएगा, आपने देखा आपने चूज कर लिया। कैश फ्लो में तो क्या ही, शेयर्स में आपका ऑप्शन होगा 6 मार्कर्स में, तो 6 मार्कर्स वाले देख लो, उसके बाद एमसीक्यूज देख लेना। तो सबसे पहले क्या करो, 15 मिनट में सबसे पहले अपने ऑप्शन सारे के सारे सॉर्ट आउट करो। उसके बाद 15 मिनट में, मान लो आपने ये 5 मिनट या 10 मिनट में कर लिया, 15 मिनट में जो भी टाइम और बच जाता है उसमें एमसीक्यूज कर लो। अब आप कर नहीं सकते हो, पढ़ सकते हो, हाँ, तो प्रैक्टिकल एमसीक्यूज करने तो नहीं पॉसिबल है, आप जो सिंपल सिंपल एमसीक्यूज है उनको पढ़ लो, दिमाग में आंसर सोच लो कि हाँ इसका ही आंसर है, कि भाई जब भी कर रहा हूँ फटाफट से कर लूंगा। तो ये मेरे हिसाब से 15 मिनट्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा कि क्वेश्चंस को सॉर्ट कर लो, कि मुझे पता है कि हाँ अब मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन पेपर को रीड कर लो। अब बारी आती है 3 घंटे की। सर देखो, सिंपल सी बात है, आपको बेसिकली 80 मार्क्स का क्वेश्चन, 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। आपके पास 180 मिनट्स है, बहुत है। अगर मैं पर मार्क्स निकालता भी हूँ तो सर आपके पास अराउंड 1 मार्क के लिए 2.25 मिनट्स है। ये बहुत ही इलॉजिकल कैलकुलेशन है। वैसे तो 1 मार्क इज इक्वल टू 2.25 मिनट्स, देखा जाए तो सिंपल मैथमेटिक्स। हाँ, अब देखो क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है। मैं आपको बोलूंगा कि स्टार्ट उससे करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। क्योंकि क्या होता है, 3 घंटे के जो स्टार्टिंग के 15-20 मिनट होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आपके इमोशंस हाई होते हैं, मतलब डर लग रहा होता है, थोड़ी एंग्जाइटी हो रही होती है, काफ़ी कुछ चल रहा होता है। तो कोशिश करो कि मैं वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूँ जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस आता है, जो आपको अच्छे से आते हैं। अगर मान लो आपका पार्ट ए अच्छा है तो पार्ट ए के 6 मार्कर्स अटेम्प्ट कर लो। देखो 6 मार्कर्स आपको कभी भी एंड के लिए नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि एंड में तो पैनिक होता है भाई, एंड में तो क्या दिमाग चलता है वो आपको पता है। 6 मार्कर्स में रिस्क नहीं लेने का बाबा, नहीं। हाँ, स्टार्ट करो जो आपके हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं, हाई मार्क क्वेश्चंस होते हैं, हाई वेटेज वाले, है ना, जो आपको आता है। लेट्स से अगर आपका कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है तो बेटा पहले कैश फ्लो करो। अगर आपका शेयर्स बहुत स्ट्रांग है, शेयर्स करो, लेकिन हाई वेटेज क्वेश्चंस करो। पहले मैं बोलूंगा एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में अगर आप 1-2 एमसीक्यू में अटक गए फिर दिक्कत हो जाएगा, वो ज्यादा टाइम ले लेगा, उसको भी छोड़ दो, है ना। पहले 6 मार्कर्स, क्योंकि आपने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर लिए हैं अपने ऑप्शंस में कि मैं पहले ये करने वाला हूँ,
एडमिशन करूंगा, शेयर्स करूंगा, कैश फ्लो करूंगा, जो भी क्वेश्चन है डिसोल्यूशन करूंगा, पहले उनको कर लो। जब आपका स्टार्टिंग का आधा घंटा एक घंटा हो जाएगा, पेपर अच्छे से फ्लो में चल रहा होगा, तो कॉन्फिडेंस आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई मान लो लेट्स से 6 मार्कर क्वेश्चन है, हाँ कोई भी है, यस सर, तो कोशिश करना मैक्सिमम उसमें, सर आप कर रहे हो मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम 15 मिनट से ज्यादा मत देना, बिल्कुल नहीं देना। देखो अगर आपको क्वेश्चन आता होगा तो ट्रस्ट मी 15 मिनट से वो बहुत पहले खत्म हो जाएगा, 12-13 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्यों? सोचने में टाइम नहीं लगाना ना हमको, सर मैक्सिमम टाइम हमारा कहाँ जाता है सोचने में, इसका क्या होगा, नहीं। अगर मुझे वो क्वेश्चन आता है तो मैं फटाफट से कर लूंगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, कर लिया हाँ 15 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन में अटक गए हो, यार आपको याद नहीं आ रहा, एडजस्टमेंट नहीं याद आ रही, टच वुड ऐसा आपके साथ बिल्कुल ना हो, लेकिन इन केस होता है, तो मेरी सजेशन रहेगी 1-2 मिनट सोचो लेकिन नहीं आ रहा, आपको उस क्वेश्चन को वहां पे छोड़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? टाइम का आपको मॉनिटर, मतलब उसको प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा कि यार इसमें बहुत टाइम हो चुका है। आई डोंट नो आपके सेंटर में वॉचेस अलाउड है या नहीं है, काफी जगह वॉचेस अलाउड नहीं होती है, रूम में जो क्लॉक होती है उसी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा कि यार नहीं इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता हूं। तो टाइम को मॉनिटर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 मार्कर्स में मैक्सिमम 15 मिनट्स हो जाएगा। देखो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो लेट्स से 4 मार्कर है, हाँ लेकिन वो 4-5 मिनट में ही हो जाते हैं। सर मान लो आपके पास कंसिडरेशन अदर देन कैश आ गया या डिसोल्यूशन की एंट्रीज आ गई, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 मार्क का है तो 4-5 मिनट मैक्सिमम और आपका हो जाएगा। तो वो जो टाइम आप यहाँ पे सेव करोगे वो आप 6 मार्क्स में लगा सकते हो, लेकिन ये आपको मॉनिटर करके चलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1 घंटा हो गया, हाँ तो भाई कम से कम देखा जाए तो 1 घंटे में कम से कम नहीं तो सर सिंपल सी बात है 20 से 25 मार्क का पेपर आपका हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो राइट 20 से 25 मार्क्स तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ भाई, मिनिमम, हाँ जी मिनिमम, कम 20 तो लगता है मुझे ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादा ही कम हो गए, कम से कम 25 मार्क्स का तो हो ही जाना चाहिए स्टार्टिंग के 1 घंटे में, स्पीड उसके बाद इंक्रीज होती है। हाँ सर 25 मार्क्स में क्या ही है, 6-6 मार्क के अगर आप 4 भी क्वेश्चन कर लेते हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं 3 मार्कर 4 मार्कर जो क्वेश्चन आपको आता है, और सारे क्वेश्चन लेंथी नहीं होने वाले, नहीं होने वाले, बस ये करना कि आप हर 1 घंटे में मॉनिटर कर रहे हो कि यार ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, नहीं तो फिर आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? और इन केस लेट से आपने पेपर पढ़ लिया, हाँ जी पढ़ लिया, आपको 6 मार्कर्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेटा फिर आप MCQ से स्टार्ट कर देना। अगर आपको 6 मार्कर्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जो कि मैं चाहता हूं कि ना हो ऐसा, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में आप वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आप अटक गए भाई, अगर स्टार्ट ही खराब हुई है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है आपका फ्लो बनना चालू होता है, स्पीड बनना चालू होती है, तो स्टार्टिंग में वही क्वेश्चंस करो जो अच्छे से आते हैं, ये सुनो। और मैं आपको बता रहा हूँ पेपर बहुत लेंथी नहीं होता अगर आपको पेपर आता होता है, टाइम कहाँ जाता है, टाइम जाता है सोचने में, क्वेश्चन देखा आंसर किया, क्वेश्चन देखा आंसर किया, हो जाएगा, क्लियर है। अब मान लो सर एक गलती जो मेरे पेपर में हो चुकी है, क्या आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, हाँ, और आपको आपने 10 मिनट लगा लिए, कुछ भी हो गया, लेट से आपने वहाँ पे 10 मिनट स्पेंड कर दिए, ठीक है, और बाद में आपको पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने गलत रीड कर लिया या कुछ गलत हो गया है, आपका स्टार्टिंग से ही गलत हो गया, लेट से शेयर्स का कुछ ऐसा हो गया, तो क्या करना है, मेरी सजेशन आपसे यही होगी कि उस टाइम उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, उस टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाए और उसको बाद में अटेम्प्ट करना, बाकी मैं चाहता हूँ ये सिनेरियो तो हो ही ना, ठीक है। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपने मॉक टेस्ट करे हैं, सैम्पल पेपर्स करे हैं, तो ये आपने खुद से ही स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए कि यार 3 घंटे में मेरा पेपर कैसे खत्म हो रहा है, छोटी छोटी बातें हैं, है ना भाई, हाइड्रेटेड रहना, पानी अपने साथ रखना, क्योंकि अगर पानी वानी नहीं पीते हो गला सूखता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, ये सुनो, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, देखो ब्रेन आपकी मेरे हिसाब से बैटरी है, सुबह आपकी बैटरी चार्ज होती है 100%, तो कोशिश करना 100% बैटरी चार्ज लेकर ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, पहले से ही थके हुए जाओगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए सुबह आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितने ज़्यादा फ्रेश हो गए, जितने ज़्यादा आपका ब्रेन फ्रेश होगा उतना बढ़िया होगा, उतना आपका एफिशिएंटली पेपर होगा, बाकी पेपर हो जाएगा टेंशन मत लो, क्लियर है, 3 घंटे में हो जाएगा, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना कि यार मुझे जब करना है तो बहुत केयरफुली करना है,
राइट। कई बार क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन को फटाफट कर लेता हूँ, फटाफट पढ़ लेता हूँ और फिर करूँगा। देखो, आप जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन का जो रीडिंग टाइम है उसमें आप 1 मिनट बेशक फालतू लगाओ, लेकिन क्वेश्चन को रीड बहुत केयरफुली करो। अगर आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लिया तो आंसर जल्दी हो जाता है। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, गलती करते हैं कि क्वेश्चन को पटापट पटापट पढ़ रहे हैं, टिंग 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 टिंग। अरे नहीं रे, कुछ मिस हो गया, कुछ भी गलत पढ़ लिया, कुछ उसमें ट्रिक पॉइंट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अपने पेंसिल के साथ पढ़ो, जहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है वहां पे रुक जाओ कि अच्छा इसमें ये है। आपको जो लग रहा है ना कि क्वेश्चन की रीडिंग में मेरे को टाइम नहीं लगाना, बेटा सबसे ज्यादा टाइम क्वेश्चन की रीडिंग में लगाओ। जितना आराम से क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना जल्दी आपका आंसर होगा, सिली मिस्टेक्स कम होगी, है या ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सर कैलकुलेशंस वगैरह की, यार ये कैलकुलेशन में मिस्टेक्स मत करना प्लीज, ठीक है। कैलकुलेशन अगर हो सके तो एंड वाले पेज पे करना, जो आपका एंड पेज है। क्यों? क्योंकि अगर उसी पेज पे कॉलम वॉलम बनाओगे वो बहुत मैसी हो जाता है ना। और लड़कों लोगों का तो मुझे पता है वो कितने गंदी हैंड राइटिंग में करते हैं। तो कोशिश करो एक फ्रेश पेज, जो आखिरी पेज होगा उसमें कर लो कैलकुलेशन, प्रॉपरली कर लो कैलकुलेशन, स्पेशियस करो। जितने ज्यादा अच्छे स्पेस में, ज्यादा स्पेस में कैलकुलेशन करोगे उतनी सही होगी, जितने कम स्पेस में करोगे उतने गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कैलकुलेशन करते टाइम भी थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना है, फटाफट रश नहीं करना है, क्योंकि वहां पे रश करोगे तो दिक्कत होगी। आंसर जब लिख रहे हो ना वहां पे स्पीड तेज होनी चाहिए, उसके प्रोसेस में स्पीड तेज नहीं होनी चाहिए। मतलब ज्यादा रश नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना, कैलकुलेशन करना, यहीं पे मैक्सिमम मिस्टेक्स होती है। ये अगर आपने सही कर दिया तो आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बाकी टेंशन नहीं लेने का है, जितनी आपने मेहनत करी है, जो आपने जितनी प्रिपरेशन करी है उसी के हिसाब से एग्जाम होगा। और जैसे मैं बोलता हूँ कि यार ये नॉर्मल आपके एग्जाम से जो टेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, और कुछ नहीं, और ये किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है। अगर आपने अच्छे से प्रॉपर प्रिपरेशन करी है तो एग्जाम अच्छा होगा, एग्जाम मुश्किल नहीं आएगा, इस बात की टेंशन आप छोड़ दो, है ना। एग्जाम बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, जो आपने करे हैं प्रैक्टिस करें अच्छे से वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बस सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। 3 घंटे में पेपर आपका हो जाएगा, है ना। ऑल द बेस्ट विशेस, ठीक है। मैं मेरे से जितना हो सकता था मुझे लगता है मैंने उतनी कोशिश करी है आपकी हेल्प करने की, ये सुनो। बाकी तो अब आपकी आपके हाथ में है, सुबह आराम से उठना, एक मॉक टेस्ट अभी हम करेंगे, तैयार करेंगे उसको, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, बाकी अच्छे से पेपर करके आना, है ना। ये सेशन जो था ये बहुत स्पेशल सेशन था, क्योंकि हमने अप्रैल से बहुत रेगुलरली क्लासेस करी है, तो बहुत स्पेशल सेशन है ये। हम बातें बातें करेंगे बाद में जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना, फिर खूब सारी बातें करेंगे। अभी CUET के साथ भी हैं, राइट। आराम से टाइम से सो जाना, टाइम से उठ जाना, ज़्यादा प्रेशर मत डालना इस पे। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में आप सब कुछ कवर कर लोगे, एक रात में सब कुछ कवर नहीं करना है, सुबह भूल जाओगे, राइट। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है रात को, 5 दिन में जो मेहनत करनी थी वो आपने कर ली है, जो नॉर्मल आपको रिविजन करनी है कुछ कॉन्सेप्ट की वो कर लेना, बाकी ठीक है, सब कुछ बढ़िया होगा, राइट। जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।